गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो हमने स्टार्ट किया है सीरीज एडुटोरिया ईएसआई का वॉल्यूम 1 के बुक से। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग या तो फिर दरोगा का प्री का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप लोग मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप मेंस के भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप दोबारा जो फॉर्म अभी न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए भी आप जरूर अपीयर होंगे, तो आप ये भी वीडियो देखिएगा और मेंस का भी वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ प्री वाले जो लोग पिछले बार नहीं क्वालिफाई किए हैं या इस बार उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप दोनों प्रैक्टिस सेट देखिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का बस लेवल इन्हेंस है जो कि आपको भी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दूसरा चीज़, आप लोगों की कुछ क्यूरी थी करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्यूरीज है मैं आप लोगों से एक सजेशन मांग रहा हूँ। वो सजेशन ये है कि आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों का जो करंट अफेयर का वीडियो चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, आइदर डेली या वीकली या फिर मंथली फॉर्म में आप लोगों को करंट अफेयर चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार दरोगा प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा बैटेज होगा करंट अफेयर का, अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेंगे और करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग पार्ट होता है, तो आप उसे जरूर कवर कीजिएगा। तो आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोगों को जो करंट अफेयर चाहिए वो मंथली बेस पर चाहिए, वीकली बेस पर चाहिए या फिर डेली बेस पर चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो देखिए पहला है इसमें ऑप्शन है सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, और चौथा ऑप्शन है सरकारी वाहनों से यात्रा करने की पाबंदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में सरकारी पदों का त्याग भी हुआ था, विदेशी माल का बहिष्कार भी हुआ था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार भी हुआ था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। अगर हम बात असहयोग आंदोलन की करते हैं तो असहयोग आंदोलन जो था बुलावट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने इसे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन से एक और चीज याद रखने वाली बात है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। 1920 से और चीज़ याद रखिएगा, 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी जो जलियांवाला बाग से संबंधित था। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की भी स्थापना की गई थी एनएम जोशी के द्वारा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल 1930 को। देखिए 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा समाप्त कर दिए थे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो 5 और 6 अप्रैल में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अगर हम बात दांडी मार्च की करते हैं तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 24 बाद मतलब 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये जो उनका दांडी यात्रा था, इसे एक चीज और याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ये गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं चौरी चौरा हत्याकांड की, तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 सही सुमेलित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही सुमेलित है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932। देखिए पूना समझौता जो होगा वो कहीं कहीं आपको 24 सितंबर भी देखने के लिए मिलेगा, तो इसको 24 सितंबर 1932 भी कर लीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 23 मार्च 1942, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर चौरी चौरा हत्याकांड की, तो चौरी चौरा हत्याकांड तो 5 फरवरी 1922 को ही हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 7 सितंबर 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। देखिए इन तीनों गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज के सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, पुणे समझौता की अगर बात करते हैं तो पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 यरबदा सेंट्रल जेल में, और इसमें क्या हुआ था कि दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचित प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है,
अगर हम बात भारत छोड़ो आंदोलन की करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन से याद रखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कब किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर 1943 को। अगर हम बात आजाद हिंद फौज की करते हैं तो आजाद हिंद फौज हुआ था 1942 में रास बिहारी घोष के द्वारा और आजाद हिंद सरकार हुआ था 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1943 एक चीज और याद रखिएगा कि 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया वो 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और ये किया किसके द्वारा गया था, 1829 के नियम 17 के द्वारा जो इसको गैर कानूनी बना दिया गया था, ये बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करते हैं तो वो 1828 से लेकर 1835 तक शासन किया था, मतलब ये था। और अगर हम बात कर रहे हैं ये किससे प्रेरित होकर, तो राजा राम मोहन राय से प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का अनुमूलन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अगर बारे में और बात करते हैं तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1830 में इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगर हम बात राजा राम मोहन राय की करते हैं तो राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था और 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो ये जाता है लॉर्ड एलिगन प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड एलिगन प्रथम की बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 1862 से लेकर 1863 और इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था और फिर 1863 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की करते हैं तो इसका टेन्योर था 1844 से लेकर 1848 तक। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड नॉर्थबुक की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड नॉर्थबुक का शासनकाल था 1872 से लेकर 1876 और इसी ने घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ठीक है। पंजाब का जो कुका आंदोलन था वो भी इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में। अगर हम बात लॉर्ड लॉरेंस की करते हैं तो इसका टेन्योर था 1864 से लेकर 1869 तक और इसने 1865 में इसी के द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया है, सही अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:2। देखिए यूरोपीय और भारतीयों की जो सेना थी उसमें संख्या का जो उचित अनुपात था वो था 1:2, लेकिन ये स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व यह कितना था, स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व था 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर हम बात बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसका हुआ था 1885 में फिरोज शाह मेहता तैलंग और तैयब जी के द्वारा। अगर हम बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की तो इसका हुआ था 1884 में और अगर हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की तो इसका हुआ था 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है, बायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगर हम बात 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं तो इसी से विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगर हम बात 1853 के चार्टर एक्ट की करते हैं तो इसके द्वारा नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। अगर हम बात 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम की करते हैं तो इसमें भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अगर हम बात
1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की करते हैं तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो कन्नौज के लिए हुआ था और उसमें शामिल कौन कौन था, पाल वंश था, गुजर प्रतिहार वंश था और राष्ट्रकूट वंश था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पल्लव वंश था वो शामिल नहीं था। ठीक है, और पाल वंश से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम किसने मतलब शामिल हुआ था, तो पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। ठीक है, पाल वंश की अगर बात करते हैं तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर। अगर हम बात राष्ट्रकूट की करते हैं तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और इसका राजधानी था मान्यखेत। अगर हम बात पल्लव वंश की करते हैं तो इसके संस्थापक थे शिव विष्णु और इसकी राजधानी थी कांची। अगर हम बात गुज्जर प्रतिहार वंश की करते हैं तो इसके संस्थापक थे नागभट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहा है यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी को उपयुक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित है। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था कि कुछ नेताओं जो थे वो गांधी जी को विरोध कर रहे थे, तो उसी में गांधी जी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था कि मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगर हम बात असहयोग आंदोलन की करते हैं तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन 1905। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया गया है। इस योजना है क्या, योजना ये है कि अगर किसी किसान की किसान को खेती करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कुछ और योजना याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कन्या सुमंगलम योजना, दस्तक अभियान, एक जिला एक उत्पाद, एम सेहत योजना। अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार से रिलेटेड याद रखिएगा जल जीवन हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कन्या उत्थान योजना। अगर हम बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा से याद रखिएगा कालिया योजना, जल साथी कार्यक्रम, जीवन संपर्क योजना, सौर जल निधि योजना। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, वैदिक शिक्षा बोर्ड। तो ये सारे आप लोग कुछ योजना है जो याद रखिएगा, आजकल योजना से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक रेलवे स्टेशन पर शुरुआत की गई थी और इस ऑक्सीजन पार्लर के थ्रू 1500 पौधे लगाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ रेलवे से इंपॉर्टेंट चीज याद रखना होगा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह मनाया जाता है, आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ था, एक रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में, रेल शताब्दी समारोह जो हुआ था 1953 में हुआ था, क्यों, क्योंकि 1853 में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रिसर्च 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-48 के द्वारा ये किया गया था। और इस उपग्रह के माध्यम से होगा क्या, इस उपग्रह के माध्यम से बादल एवं कोहरे के समय सीमांत पर नजर रखी जाएगी। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये PSLV का 50वां मिशन था। ठीक है, अगर हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो से याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसका फाउंडेशन जो था वो है 15 अगस्त 1969 को, इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई, इसके डायरेक्टर अभी तत्कालीन है K-Sivan। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4-स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई सेंट्रल रेलवे को प्रदान किया है। अगर हम बात भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण की करें, मतलब FSSAI की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका फाउंडेशन था 2011 में और अभी तत्कालीन इसके चेयरमैन का नाम है रीता त्योतिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है। देखिए साहित्य पुरस्कार जो 2019 है ये टोटल 23 भाषाओं में कविता, जिसमें कविता की 7 पुस्तकें हैं, 4 उपन्यास हैं, 6 लघु कथाएं हैं और एक एक गैर काल्पनिक उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा का जो मिला है वो मिला है शशि थरूर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और उनका जो एक पुस्तक था एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसी के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। अंग्रेजी के साथ साथ एक और भाषा का याद रखिएगा जो है हिंदी। हिंदी में दिया गया है नंद किशोर आचार्य को, उनका एक कविता था छीलते हुए अपने को, उसी कविता के लिए नंद किशोर आचार्य को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में ये इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का। अगर हम बात 2028 के ओलंपिक का करते हैं तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द डॉटर फ्रॉम द बिसिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा पुरी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है। तो इसरो द्वारा भारत का जो पहला सोलर मिशन है उसका नाम दिया गया है आदित्य L1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इस मिशन पर जो होगा वो 6 पोलोड भेजे जाएंगे जो सौर मंडल में सूर्य की मौजूदगी से होने वाले प्रभाव एवं परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। ठीक है, इसे L1 पॉइंट के करीब हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इससे होगा क्या, इससे वैज्ञानिकों को सूरज के कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना कोच। और इससे पहले कौन था, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था पेगी मेरी के नाम पे ये दर्ज था। ठीक है, ये जो क्रिस्टीना कोच हैं ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और ये एक फ्लाइट इंजीनियर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाड़िया, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात डिजिटल इंडिया की करते हैं तो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 को किया गया था और इसका जो मोटो है वो है पावर टू एम्पावर। क्या है, पावर टू एम्पावर। ठीक है, अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बात अमिताभ बच्चन की करते हैं तो अमिताभ बच्चन से याद रखिएगा स्वच्छ भारत अभियान, GST, पल्स पोलियो, वन प्लस मोबाइल, मुथूट ग्रुप, ये सारे के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अगर हम बात पीवी सिंधु की करते हैं तो पीवी सिंधु से याद रखिएगा ये स्वच्छ आंध्र मिशन और एक जो बीजा कंपनी है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हम बात आमिर खान की करते हैं तो आमिर खान है वीवो का, फोनपे का, ये ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं और लद्दाख में 2 जिला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर के अभी तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा और ये लागू कब हुआ था, ये 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक अधिनियम लागू हुआ था और जम्मू और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा सूखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है यह किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम क्या है। तो 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया था उसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 मार्च को याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। मार्च से इंपॉर्टेंट कुछ और दिवस याद रखिएगा जैसे 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 27 को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो माल्टा के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रॉबर्ट अबेला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, माल्टा जो है एक यूरोप की कंट्री है। ठीक है, यूरोप में स्थित एक कंट्री है ये, जिसकी राजधानी है बलेता और जिसकी मुद्रा है यूरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बायो एनर्जी कॉपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये किया है किसके साथ, ये किया है ब्राजील के साथ। देखिए जब अभी 2020 के गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि थे वो ब्राजील के राष्ट्रपति ही थे बोलसोनारो, और उसी समय जो था वो भारत और ब्राजील के बीच 15 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें जो सबसे प्रमुख था वो यही था बायो एनर्जी एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागोया में ये किया जाएगा। नागोया है कहाँ, ये है जापान में, ठीक है। तो 20वां एशियाई खेल जो 2026 है वो जापान में किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रथम एशियाई खेल का, तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था 4 मार्च 1954 को नई दिल्ली में, ठीक है। अगर ये तो 20वां है, साथ ही साथ देखिए आपको याद रखना होगा 18th जो भी हो चुका है, 18th हुआ था 2018 में इंडोनेशिया में, और 19th होगा 2022 में चाइना में। ये जो 18 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में, उसमें जो भारत था वो 69 पदक जीता था, और पहले नंबर पे चाइना था जो 289 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसनसोल में ये किया है। आसनसोल है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है। तो ये मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मनोहर पारिकर की अगर हम बात करते हैं तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इस पुस्तक का जो सह लेखन है वो पत्रकार सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागबेकर के द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी तत्कालीन रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह है, और तत्कालीन अगर हम गोवा के सीएम की बात करते हैं तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ है। तो ई गवर्नेंस पर 23वां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हुआ है मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इस सम्मेलन का जो थीम था वो था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है खोल गंछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है। तो ये भारत और भूटान से संबंधित है, और ये भूटान के खोलो गंछू नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और भूटान। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे कैपिटल नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में ये किया गया है। अभी तत्कालीन महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा ये किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय से और याद रखिएगा, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी 1825 में किया है, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में भी जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, 16 भी 19 भी। देखिए 15 16 19 29 30 ये सब क्या है, भारतीयों को ही प्रदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर हम बात मूल अधिकार की करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न कथन पर विचार कीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं, गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वक्त मुक्त होते हैं। तो नहीं, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रति दूसरे वक्त मुक्त होते हैं, तो ये गलत है। तो इसका तीनों का तीनों गलत है। तो
सब गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही उसे स्वीकृति देना जरूरी है। अगर वो स्वीकृति नहीं भी देता है तो वो राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। बिल्कुल सही है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम सीमा जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह होना चाहिए। तीन तरह का आपातकाल की घोषणा, तीन तरह का आपातकाल का प्रबंधन है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल से एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो अधिकतम समय सीमा है वो निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1963 में लाया गया था। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो था वो 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। अगर हम बात अविश्वास प्रस्ताव की करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव से याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में विपक्षी दलों के किसी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर पर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में किया जाता है। अगर हम बात राज्य के नीति निदेशक तत्व की करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36-51 और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 37 ये कहता है कि कानून बनाने में इन निर्देशों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगर हम बात अनुच्छेद 38 की करते हैं तो अनुच्छेद 38 में ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अगर हम बात अनुच्छेद 39 की करते हैं तो अनुच्छेद 39 में 3 है, क, ख और ग। अगर हम बात अनुच्छेद 39 क की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। अगर 39 ख की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, और 39 का ग में कहा गया है धन का समान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय यानी फेडरल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। और ये लिया कहाँ से गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है। तो आर वेंकट रमन ने किया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी किए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। आर वेंकट रमन की अगर बात करते हैं तो ये जो उपराष्ट्रपति रहे थे ये रहे थे 1984 से लेकर 1987 तक, और फिर 1987 से लेकर 1992 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। अगर हम बात डॉक्टर जाकिर हुसैन की करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो 1962 से लेकर 1967 तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर 1967 से लेकर 1969 तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पे एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति की हैसियत से अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है
चलाया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में किया गया था। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था राजा चलाया, उन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? देश में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति का जो संबंध है वो कोको और चमड़ा उत्पादन से है। अगर हम बात काली क्रांति की करते हैं तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम खनिज एवं तेल के उत्पादन से। अगर हम बात घूसर क्रांति की करते हैं तो इसका संबंध है सीमेंट उत्पादन से। और गोल्डन क्रांति का संबंध है बागवानी से। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गरीबी से संबंधित है और ये 1989 में बना था और 1993 में जाके ये अपना रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, बेरोजगारी से एक चीज़ याद रखिएगा, इससे एक इंपॉर्टेंट कमिटी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेरोजगारी के अनुमान लगाया था दांत बाला समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गन्ने का उचित और परिश्रामिक मूल FRP अनुमोदित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति है CCEA के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें सबों के सिर किस दिशा में रखे मिलते हैं? तो इसमें जो सबों का शरीर था वो उत्तर की ओर रखा हुआ मिलता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता से याद रखिएगा इसका जो समय काल था वो था 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और सिंधु घाटी की जो प्रमुख फसलें थी वो था गेहूँ और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था उसका विभाजन जो था वो हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया था। चार बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहला हुआ था राजगिरी में अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चौथा हुआ था कुंडलबन कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो बौद्ध संगति है वो बिहार से बाहर हुआ था? तो देखिए पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में था और चौथा जो कुंडलबन जो कश्मीर है वो बिहार से बाहर है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष का नाम था बसुमित्रिया अश्वघोष। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति की ये बात कर रहा है तो महावीर स्वामी को हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और महात्मा बुद्ध की अगर बात करते हैं तो इनको पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, मखली पुत्र जो थे वो गौसाल के द्वारा आजीविक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात शाहजहां की करते हैं तो शाहजहां ने बहुत इमारतें बनवाई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जमा मस्जिद, ये सब का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो जहांगीर से याद रखिएगा इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और इसने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी और इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर हम बात अकबर की करते हैं तो अकबर से याद रखिएगा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, जैसे 1562 में उसने दास प्रथा के अंत की थी, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत भी की थी। अगर हम बात औरंगजेब की करते हैं तो औरंगजेब से याद रखिएगा औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम,
इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इसने सिखे के नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी और इन्होंने फिर 1679 में जजिया कर को दोबारा स्टार्ट करवा दिया था। औरंगजेब से एक और चीज़ याद रखिएगा, औरंगजेब जो था वो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्तियों करने वाला सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि मुगल काल में मुहसिब कौन था। तो मुगल काल में जो मुहसिब था वो था आचरण अधिकारी, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कुछ और याद रखिएगा, जैसे मुगल काल में अम्ल गुजार कहा जाता था जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को, फौजदार कहा जाता था जिले का प्रधान फौजी अधिकारी को, कोतवाल कहा जाता था नगर प्रधान को, सिकदार कहा जाता था परगने का प्रमुख अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का है, दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था। तो दीवाने आरिज जो था ये सैन्य विभाग को दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था, तो दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए याद रखिएगा, जैसे दीवाने खैरात कहा जाता था दान विभाग को, दीवाने बंदगान कहा जाता था दास विभाग को, और दीवाने इस्तेहाक कहा जाता था पेंशन विभाग को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, बासवंत व दसवंत किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये अकबर के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, नरोरा उत्तर प्रदेश सुमेलित है, कुंडन कुलन कर्नाटक सुमेलित नहीं है क्योंकि कुंडन कुलन और कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो यहाँ तमिलनाडु होना चाहिए। अब फिर काकरापारा जो है वो गुजरात में है, ठीक है, और तारापुर महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो सौरभ चौधरी का जो संबंध है वो 10 मीटर एयर पिस्टल खेलते हैं, यानी निशानेबाजी से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। तो ये किया है नेपाल ने, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के पीएम का नाम है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो 38वीं जो समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम आप बात उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की करते हैं तो इससे याद रखिएगा 17वीं समांतर रेखा, अमेरिका एवं कनाडा की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा 49वीं समांतर रेखा, और जर्मनी और फ्रांस के बीच से याद रखिएगा मेगिनॉट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO यानी WTO के विषय में सही है। WTO क्या है, संयुक्त राज्य का एक संगठन है जो है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 को की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही है। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या 164 है, ये भी सही है। ये संयुक्त राज्य का संगठन नहीं है, ये गलत है। अभी हमने बताया कि WTO जो है वो संयुक्त राज्य का संगठन है जिसकी अपना वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका विजेता बांग्लादेश रहा, यह भी सही है, और इसका उप विजेता हमारा प्यारा भारत रहा, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था। तो भारत का जो स्थान था वो था 80, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। पहले स्थान पे था डेनमार्क, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि कलकत्ता में ये हुगली नदी के नीचे बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सेना दिवस 2020, सेना दिवस मनाया कब जाता है। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो सेना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 72वां सेना दिवस की ये बात कर रहा है। तो 72वें सेना दिवस 2020 अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली जो पहला महिला अधिकारी था उनका नाम क्या है। तो उनका नाम था कैप्टन तानिया सरगिल, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, निम्न में से
क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते हैं? तो इसमा का उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जलने पर कम से कम अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। तो इनमें से सही ये तो गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कोल गैस होता है, तो कोल गैस क्या होता है? तो कोल गैस जो होता है वो होगा H2+CH4+CO, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। H2 जो होता है वो 55% के करीब होता है, ठीक है। CH4 जो होता है वो 30% के करीब होता है, और CO जो होता है वो 4% के करीब होता है, और 10% इसमें अन्य गैस होते हैं, ठीक है। और इसका जो उत्पादन है वो कोयले के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 सुमेलित करने कह रहा है, तो विटामिन बी सेवन की अगर बात करते हैं तो विटामिन बी सेवन के कमी से होता है बालों का झड़ना या चर्म रोग, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ ये मैच करेगा। विटामिन B2 की कमी से होता है प्रनासी या रक्ता होना, ये इसके साथ मैच करेगा। विटामिन ई के कमी से होता है बांझपन होना या जनन क्षमता में कमी, तो ये इसके साथ मैच करेगा। विटामिन के की से अगर बात करते हैं तो वो रक्त के थक्का जमने में होगा। विटामिन B7 का अगर हम केमिकल नेम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो होता है बायोटिन। विटामिन B12 का होगा साइनोकोवैलामिन। विटामिन ई का होगा टोकोफेरोल, और विटामिन के का होगा फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी की इकाई करने है प्रकाश वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, और एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धानता जो होता है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, ठीक है। पुरुषों में लगभग 4% में पाया जाता है, और महिलाओं में लगभग 0.5% में पाया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली जो है ये अनुवांशिक रोग है, और यह जो दोष है वो मनुष्य के आँख में शंक्वाकार सेलों की कमी होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका बहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का बहन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। ये जो है लाल रक्त कोशिकाएं के अंदर जो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और यह ऑक्सीजन को अवशोषित करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी पदार्थ जो है वो बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किसमें न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियक अम्ल जो है वो जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? सागर है नहीं, महासागर है नहीं, खारा पानी है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा नदी वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो मछली का तेल है, पालक भी है। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे की बात करते हैं तो जंतुओं का जो यकृत एवं गुर्दे है ये विटामिन B3 का अच्छा स्रोत है। अगर हम बात विटामिन ए के करते हैं तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, और विटामिन B3 की अगर बात करते हैं तो विटामिन B3 का केमिकल नाम है नियोसिन। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मिलान करने के लिए प्रतिरोध जो है वो ओम के साथ मैच करेगा। विद्युत प्रवाह की बात करते हैं तो ये एम्पियर के साथ मैच करेगा। बल की अगर बात करते हैं तो ये न्यूटन के साथ मैच करेगा, और पावर जो है वो वाट के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देखिए विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, हाँ होता है। कमरे के ताप पर ठोस होती है, ये भी होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है धातुओं में सबसे कम घनत्व
घनत्व वाला तत्व कौन है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व होगा यहाँ पे लिथियम का और सबसे ज़्यादा होगा पारा का, ठीक है। अगर हम बात सोडियम की करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, पारा का एटॉमिक नंबर होगा 80, कॉपर का एटॉमिक नंबर होगा 29। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो मेनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि जो रासायनिक बंधन में भाग लेता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या फिर गहन करता है या फिर क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और इसी से वो धनायन या ऋणायन प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है सुपरनोवा घटना क्या है? तो सुपरनोवा जो घटना है वो क्या है, एक मृत प्राय तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सुपरनोवा है क्या? सुपरनोवा होता है एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है, जो बड़े आकार के तारे सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा तथा भागीरथियों नदियों के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर हम बात कर्क रेखा की करते हैं तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता का मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में जीवों की जो विविधता होती है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं, और जो सर्वाधिक जैव विविधता होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है गाड़ियों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? तो गाड़ियों से निकलने वाली जो मुख्य प्रदूषक गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है बोल रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ठीक है एमपी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अगर हम बात करते हैं तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में नहीं है, वो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है, और सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा कान्हा, माधव, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा ब्लैक बैग, गिर, मैरीन। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक से याद रखिएगा बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोल। उड़ीसा से याद रखिएगा भितरकनिका, सिमलीपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्लुहास जो है वो हिंद महासागर के गर्म और एक अस्थायी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण गंगा अगर पूछ लेगा तब हो जाएगा गोदावरी नदी को, ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तब हो जाएगा कावेरी नदी को। अगर कावेरी नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। अगर हम बात गोदावरी की करते हैं तो गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वो है पश्चिम घाट के त्रंबक पहाड़ियों से, और कृष्णा का जो उद्गम स्थान है वो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर्स किस लिए जाना जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भूकंप के लिए जाना जाता है, और ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है, तूफान और जंगल की आग के लिए नहीं जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों, ठीक है। रिंग्स ऑफ फायर्स की अगर बात करते हैं तो होता क्या है रिंग्स ऑफ फायर्स में कि जो लिथोस्फेरिक प्लेटें की जो गति और टकराव के कारण रिंग्स ऑफ फायर विकसित होता है, और इस क्षेत्र में कई टेक्टोनिक प्लेट भी हैं जो लगातार क्रिया करती रहती हैं, और इन प्लेटों की गति के दौरान जो निकलने वाली ऊर्जा होती है यही भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनता है। लगभग जो विश्व का 85 से 90% जो भूकंप है वो इसी क्षेत्र में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गिब्सन मरुस्थल है वो अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है। बाद बाकी तकला मकान चीन, थार भारत और अटाकामा चिली, ये सब क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं। तो संचार उपग्रह जो है वो बाह्य मंडल में अवस्थित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात क्षोभ मंडल की करते हैं तो इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, और यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है, और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी संवहन धाराएँ होती हैं वो इसी मंडल की सीमा तक सीमित रहती है। अगर हम बात संताप मंडल की करते हैं तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, और इसमें इसी मंडल में वायुवान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। और जो ओजोन मंडल होगा वो होगा उसी में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, और इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है बिली बिली किस क्षेत्र के चक्रवर्तीय घटनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ये घटनाएं हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ही विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। तो सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वो है द्वितीय हरित क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल कहाँ है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद जो चार पांच क्वेश्चन मैथ्स के हैं उसके सॉल्यूशंस मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का पीडीएफ का क्यूरीज था, पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं 8 बजे डेली मैं आप लोगों को लाइव आके वीडियो देता हूं, और उससे पहले मैं 7 बजे के आसपास मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूं, ताकि आप लोग पहले बना लीजिए और उसके बाद उसे मैच कर लीजिए। और मैच करने के बाद आप लोग अपने मार्क्स कमेंट करना जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि और लोगों को पता चले और साथ ही साथ आपको भी पता चले कि और लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।